डॉल्फिन भी हेलो रहती है। दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम विजिट किए हैं गंगा रिवर के लिए। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और पहुंचने वाले दोस्तों गाड़ी में हैं। हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ केवल आज एक ही स्टाफ है दोस्तों, यानी कि हम कुल मिला के दो लोग हैं ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों, हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और तो देखिए, हम लोग पैदल जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना उसका बहाव है, यानी कि पानी का फ्लो कैसे और मिट्टी कितनी कटी हुई है। इसके जो किनारे की मिट्टी है काफी कट चुकी है, यानी कि दोस्तों काफी फ्लो है पानी का, जिससे कि हमारे जो पास की मिट्टी है वो कट रही है, यानी कि काफी मिट्टी का कटाव काफी ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए यार, काफी डर लग रहा है दोस्तों। बहुत ही क्लीन और एकदम नीट इसका जो वाटर है, पानी है, बहुत ही साफ है दोस्तों। और इसमें देखिए फिशिंग कर रहे हैं मछुआरे, जिनके लिए हम लोग आए हैं दोस्तों। वैसे हम फिलहाल हम लोग सर्वे के लिए आए हैं। जो भी मछुआरे इसमें बोट के थ्रू अपना जीवन यापन के लिए मछलियों का कैप्चर कर रहे हैं, हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। देखिए, हम खड़े होकर भी वेट कर रहे हैं, और उसको जो बोट वाले कैसे हैं, लगा जो सर? भी कैप्चर करने वाले हैं मछली को, पकड़ने वाले मछुआरे भाई लोग, उन लोगों को हम लोग अभी एक पुकार दे दिए हैं। वो लोग अपना बोट लेके किनारे में आ रहे हैं और अभी खड़े हैं दोस्तों। तो थोड़ा वीडियो के अंत में रहिएगा, थोड़ा वेट करिए। भाई वाह, तो तो बढ़िया है यार। दोस्तों देखिए, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, और बोट आ रही है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे पतवार के सहारे बोट आ रही है किनारे। हाँ, थोड़ी तो स्पीड देखते में दिखाई दी। हैं आगे क्या होता है दोस्तों। जैसे ही आएगा बढ़िया हम फोन आपको लाएंगे दिखाई बताते दी। रहेंगे अपडेट इसके बारे में, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, कैप्चर अरे करके बिल्कुल कैसे लाओ उसको सर, मार्केट हाँ में बिल्कुल, ले जाया इसी जाता तरह है से रख दो, और कैसे इसी बेचा तरह जाता ये है। उसको दोस्तों आगे बोट आ चल के चुकी है और दिखाई दी। देखिए एक मछुआरे ये भाई बंधु मछुआरे हैं जो लगभग कि मछली को जो लेके आए हैं, और देखिए यहाँ पे कुछ मछलियों की बड़े छटाई हो बड़े रही है मछली बोट में। थोड़ा और जो भी सा ना स्पीशीज की, अलग वो अलग डोंगी स्पीशीज वाले की जो भी भाव मछलियां उठा हैं, के अलग अलग लाके प्रजाति की, उनको एक लेके इकट्ठा एक बॉक्स में रखा जाएगा दोस्तों, ताकि उनको मार्केट में सेल पागल करने के के लिए आसानी हो और पहचानने के लिए अरे आसानी हो। भाई, तो अरे फिर वही यार सर, दोस्तों देखिए, आपको काफी मिला सैंड है और इसे काफी पीछे तरफ बालू से है रख दो, और ठीक काफी है, फायर मैंने यहाँ पूछा जल रहे हैं अगला दोस्तों, चक नहीं क्योंकि उठाया बहुत सर काफी आपने ज्यादा है। कि तो एक दूसरी बोट भी है साथ जो में, देखिए हमारे भाई थर्माकोल का लेके बोट है, आए उसको हम लोग फिश बॉक्स में रख के उसको हैं, जो बड़े चरण एक स्पर्श थर्माकोल के सहारे ऊपर से पकड़ पेपर साइड से ढक दे रहे हैं में ताकि उसको डोंगी खराब ना वाले हो। भाव कि उठा दोस्तों लेके आइस जो खड़े होता है बर्फ, होंगे यानी कि उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखता है, जिससे चिलिंग हो जाती है मछली और मछलियाँ आगे कभी के खराब नहीं लिए होती, क्योंकि मछली ऐसी एक हम ऐसी वस्तु है दोस्तों जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हम उसको पानी लोग में निकालने के बाद बॉक्स में रखते समय उसको आइस क्यूब में रखते हैं, ताकि मछलियों का जो बॉडी है, उनका फैट है शरीर का, वो ऑक्सीडाइज ना हो और खराब होने से बची रहे। जाते तो दोस्तों देखिए, एक बहुत बड़ी मछली से निकाल के लाया दोस्तों एक मछुआरा भाई, और हमको दिखा रहा है, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि नैन हैं। मछली है, जिसको हम सीनस मेरिकुला बोलते हैं साइंटिफिक नेम। इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज जैसे कि सिंगी हो गया, क्लेरिस पेट्रिकस हो गया, मांगुर हो गया, पड़ी हो गया, सौर हो गया, इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों हमारे गंगा नदी में, जो कि हमारे गंगा को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग इनको कंजर्वेशन प्रोग्राम चला के इनको संरक्षित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।